तो मेरे साथ गढ़वाल के युवा मौजूद हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग काफी निराश नजर आ रहे हैं। लोगों का रोष जो वो प्रशासन के प्रति देखने को मिल रहा है कि किस तरह का मटेरियल यहाँ पर घटिया इस्तेमाल किया गया है, जिसका कोई फायदा आगे आने वाले दिनों में नहीं दिखाई देगा। और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसका आपने यहाँ पर देख लिया कि कहाँ कहाँ पर जो ब्लैक टॉप यहाँ पर इसके किया गया था, वो जो गड्ढे यहाँ पर पड़ना शुरू हो चुके हैं, जो केमिकल का इस्तेमाल किया गया वो केमिकल भी जो है वो बाहर आना शुरू हो चुका है, यानी ये जो कोट है ये फटना शुरू हो चुका है। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या कुछ आप इस मामले को लेकर कहना चाहते हैं? जो हैंडवॉल का कोट आपको दिया तो है, इसका कोई क्या आपको लग रहा है कि फ़ायदा होगा? जो घटिया मटेरियल आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल किया गया है, यहाँ से जो केमिकल उखड़ना शुरू हुआ है, जो इसके ऊपर टारगोल डाला गया वो भी निकलना शुरू हो गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऋषि जी धन्यवाद। मेरा नाम नमन जसरोटिया है। मैं आपके कंसिडरेशन में ये चीज़ डालना चाहूँगा, यहाँ पे प्राइमरली चार स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना किसी की राय लिए, बिना किसी स्पोर्ट्स काउंसिल को पूछे, ये कहाँ से हैंडबॉल लिया है, ये गॉड ब्लेस है इनको, इन्होंने कहाँ से ये पास करवाया, किसके के थ्रू ये सरपास हुआ प्लान कि हमें हैंडबॉल का ग्राउंड चाहिए, जबकि नीड है हमें बेसिकली क्रिकेट के नेट्स की, एक बैडमिंटन के कोर्ट की, एक वॉलीबॉल के कोर्ट की। इन्होंने बाकी उन सबको दरकिनार करा के सिर्फ पैसे खाने का ढंग बनाने के लिए इन्होंने ये बनाया, और वो भी चलो अगर अच्छा बनाया होता तो हम उसको सहानुभूति से लेते कि एक अच्छा कोर्ट बनाया आपने, वो भी आपके सामने है, मैं कुछ नहीं छुपाता, आपके सामने ये कोर्ट बनाया है। पहले आपने युवाओं के लिए ये ग्राउंड, यहाँ पे 5 साल पहले टूर्नामेंट्स होती थी, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स होती थी, पहले आपने ये बड़े ग्राउंड का बेड़ा गर्क करा और जड़ियों आप 3-3, 4-4 फुट का घास लगाया, फिर यहाँ पे आए हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे बैडमिंटन खेलते थे, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे, आपने उनका सबका बेड़ा गर्क करके आपने ये ग्राउंड बनाया, और अब ये हैंडबॉल ग्राउंड बनाया, और 3 दिन नहीं हुए अभी बने हुए, इसका सारा स्टफ बाहर आ रहा है इसका। अब हम कहाँ जाएं, हम युवा कहाँ जाएं? हम डीसी सांबा से अनुरोध करते हैं, इंटरवीन करिए, कोई सोल्यूशन निकालिए। एसएसपी सांबा से भी मैं बोलना चाहूँगा, सर यहाँ पे इंटरवेंशन करिए, हम दुखी हैं, हम क्या करें, किसके पास जाएं, कोई सुनता नहीं। एसडीएम मैम आए, उन्होंने कहा 1 रुपया सेंक्शन नहीं कराया जाएगा, मतलब आप रिपेयरिंग के लिए पैसा दे रहे हो, आप नए स्टेडियम के लिए नहीं दे रहे हो, यू आर गिविंग उसके लिए कि जो रिपेयर कराया गया वो उसके लिए स्टेडियम दे रहे हो। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या यहाँ के आप पंच क्या कुछ कहेंगे, युवाओं को भविष्य को लेकर बात करें तो इसी तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन जब इस तरह से प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जो सवालों को घेरे में आ जाता है कि घटिया मटेरियल कहा जा रहा है, कि लगाया गया स्टाफ सारा बाहर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपने प्रशासन के आगे बात रखी? सर पहली बात तो ये कि हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं ली है हमसे, कि हम यहाँ पर कुछ बनाने लगे हैं, हमसे कुछ पूछते ही इन्हें हमसे कुछ नहीं पूछा अभी तक। यहाँ पर जो 2 ग्राउंड थे, इन्हें दोनों ग्राउंड हमारे खत्म कर दिए, जहाँ पर बच्चे बैडमिंटन खेलते थे या वॉलीबॉल खेलते थे, दोनों ग्राउंड हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। हमें यहाँ पर एक्चुअली लोड है ज़्यादा, हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर कबड्डी खेलते हैं ज़्यादा, ये कबड्डी का हमें दे देते कुछ उसके लिए। हाँ, ये जो दे दिया इन्होंने अभी ऐसी चीज़ दी है कि इतनी घटिया चीज़ लगाई है यहाँ पर मटेरियल जितना भी लगाया हुआ है। मैं तो डीसी अर से यही अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ इस पर जरूर अपना ध्यान दें। क्या कुछ आप भी कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ऋषि जी का बड़ा शुक्रिया, लेकिन मैं इस वार्ड का पंच होने के बावजूद भी मैं इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, मेरे नॉलेज नहीं है कि ना इन्हें मैं कदम कोई इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसी कोई चीज़ चाहिए ही थे। साढ़े इतने बड़ी अच्छिया ग्राउंडा ही क्रिकेट के टूर्नामेंटा होंगे ही, डे भी होंगी ही, नाइट भी होंगी ही, लेकिन ये मेरी नॉलेज थोड़ी दिन का दिखा, लेकिन मैं बुलाया इन्हें कदम नहीं आया, ना पूछा पता नहीं कौन रिकमेंडेशन दी, कियाँ होया, कियाँ बनया, कौन पास किया, उसी नीड ही इस चीज़ की। इत्थे ठीक आखा दे अपने जसरोटिया साहब, इत्थे वो खेलते कबड्डी होंदा, बास्केटबॉल होंदा, यह हैंडबॉल नमन लिया है, पता नहीं कुत्थों लिया है ना, तो नमन उन्हें भी जी गल की ठीक की है, तो बाकी तो मैं इस चीज़ का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप भी इनके साथ यहाँ पर शाना बशाना पहुँचे हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है कि इसमें जो भ्रष्टाचार का कोई बोलबाला देखा जा रहा है, जो यहाँ पर घटिया मटीरियल इस्तेमाल किया गया, ये स्टफ है वो निकलना शुरू हो गया, और प्रशासन तक जब ये बातें सामने आई तो एसडीएम का भी जो जवाब है, क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे? देखिए ऋषि जी, भगवान विष्णु के छठे अवतार नरसिंह देव की भूमि है ये गढ़वाल, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो मुझे लगता नहीं कि भगवान के घर से वो बच पाएगा। ऐसे भ्रष्टाचार के लिए और बहुत सी जगह हैं। ये बच्चों का एक छोटा सा कोड इन्होंने बनाना था, जैसा कि आपको सभी लोगों ने बताया कि 2 ग्राउंड यहाँ पे पहले थे, एक वो देखेंगे आप, यहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट है, उसी के साथ में बास्केटबॉल का कोर्ट था, बॉलीबॉल का, सॉरी,
अगर आपने ये बनाया है अच्छी बात है, इसको कोई नहीं बोलेगा कि अगर कोई अच्छी चीज़ बनी है, नई चीज़ आई है, बच्चों को नया कोई स्पोर्ट्स की गेम यहाँ पे मिलेगी खेलने के लिए। यहाँ पे आज से 1.5 साल पहले जब इसका काम स्टार्ट हुआ था तो यूथ एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जो हैं सलीम उर रहमान वो भी आए थे। जब उन्होंने देखा था तो उसमें हमें देखते ही उन्होंने बोला था कि इसकी लेवलिंग नहीं है। जो डिपार्टमेंट था, चाहे यूथ एंड स्पोर्ट्स था, बाकी भी जो आला अधिकारी यहाँ पे आए थे, उनको सीधे उन्होंने बोला था कि ये ग्राउंड जो है ये बनाया जा रहा है ये इस काबिल ही नहीं है। ब्लैक टॉपिंग हुई, उसी वक्त इसका काम बंद हो गया। उसके बाद 1.5 साल के बाद कुछ दिन पहले भी यहाँ पे डीसी साहब का दौरा हुआ था, तो ये नौजवान जो है इन्होंने रिक्वेस्ट की थी डीसी साहब से, तो शायद उनके कहने पे ये ग्राउंड जो है 4-5 दिन में तैयार हो गया। हालांकि इसकी जो लेवलिंग थी दोबारा नहीं हुई, इसके ऊपर ब्लैक टॉप किया गया, लेकिन इस सीज़न में ब्लैक टॉप किया जा सकता है या नहीं, वो सेट बैठता है या नहीं, वो भी कोई चेक नहीं किया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ से ये जो ऊपर केमिकल लगाया हुआ है, एक बच्चा यहाँ पे जो ये गेम खेलता है उसका कहना था कि ये हमारा इतना सॉफ्ट होता है कि जो परत होती है इसके ऊपर इस केमिकल की इतनी होती है ताकि अगर कोई गिरे तो उसको लगे ना, लेकिन ये तो पूरा का पूरा सामने जैसे ऊपर पेंट लगाते हैं, एक कोड जो है उस हिसाब से कोड का पेंट किया हुआ है, अगर कोई इसके ऊपर गिरेगा, ये थोड़ी हार्ड गेम है, बच्चे जब खेलते हैं तो गिरना गुरना आम इसमें होता है, जब जो गिरते हैं तो किसी की बाजू टूटेगी, किसी की टांग टूटेगी, तो कोई सीरियस इंजरी अगर किसी की हो जाएगी, सीधी सी बात है कि करप्शन का जो दौर था वो इतने पीक पर हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा है कि एक लाखों रुपए का काम यहाँ पे हो गया, मेरे ख्याल से 15-20 लाख रुपए इसके ऊपर लगा होगा, उसका कोई चेक करने ही नहीं आ रहा है। अगर कोई टेक्निकल बींग बना था, उसने कम से कम आकर देखना था, इसकी डायमेंशन देखनी थी, इसकी जो लाइनिंग की गई है वो देखनी थी, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं देखी गई। मटेरियल इतना हल्का यूज हुआ है, ये नेट जो है इसको जो लड़का खेलता है उसी ने बताया कि अगर 2 बाल हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये आर पार हो जाएगा, उसके बाद ये जो एंगल लगे हुए हैं एंगल पे अभी ही जंग लग गया है, तो कहीं ना कहीं करप्शन का जो है बोलबाला चल रहा है हमारे यहाँ पे। एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले माइनिंग के नाम पर हमारे जम्मू कश्मीर को लूटा गया, फिर शराब माफिया के नाम पर लूटा गया, अब ये लोग यूपी बिहार से आए हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके, ये हमारे जम्मू के नहीं हैं, ये यूपी बिहार से आए हैं। उन लोगों का दावा है कि जब इन बच्चों ने बोला कि आप कैसा कोर्ट बना रहे हो, इसके पैसे कैसे निकलवाओगे, उनका दावा है कि हमारे ऊपर तक हाथ है। अब हमारे जम्मू में अगर ऊपर कोई है तो एलजी साहब है, तो उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने दावा किया है पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, लेकिन अगर ऐसे लोग हमारे जम्मू कश्मीर में आएंगे, ऐसा डिपार्टमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स अगर हमारे यहाँ पे रहेगा, मुझे नहीं लगता कि वो जो उनका वादा है कभी पूरा हो पाएगा। नौजवान बच्चों के साथ ऐसा भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। कल एसडीएम मैडम आए थे हमारे, उन्होंने देखा, हम भी यहाँ पे थे, उन्होंने क्लियर किया कि अभी तक इसकी पेमेंट नहीं हुई। ठीक, हमने उनसे ये भी पूछा कि जो पहले कोर्ट, जो पहले ब्लैक टॉपिंग हुई थी, क्या उसकी पेमेंट, उनका कहना है कि उसकी भी पेमेंट नहीं हुई। अगर किसी भी चीज़ की पेमेंट नहीं हुई तो इतना बड़ा ग्राउंड एक जो है वो तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात कि जैसे यहाँ के पंच हैं, ये इनके सरपंच ही हैं, उनसे भी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमें तो कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया है। ये सामने हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, ये कॉलेज की बिल्डिंग है, ये कॉलेज के रूम है, ये सारे 2 इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, जो इनके जो बच्चे हैं, इन्होंने अगर सुबह प्रेयर करनी होगी, इन्होंने खेलना होगा रिसेस के टाइम, तो इसी को यूज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इनका ग्राउंड कहाँ गया? ठीक, वो जो दूसरा ग्राउंड पीछे बचा हुआ है उसमें जैसे नमन ने बोला इतनी इतनी जड़ी, और जड़ी कौन सी, अगर वो कहीं भी लग जाए तो मेरे ख्याल से स्किन डिजीज जो है लोगों को हो जाएंगे। आखिरकार हमारी ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठे हैं, ये या मैं कॉलेज का भी जो स्टाफ बैठा है, इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने एक बने बनाए हुए अच्छे स्कूल को, उसके एक बहुत बड़े मैदान को, यहाँ पे बच्चों को आने वाले टाइम में अगर फ्यूचर में अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो बच्चों की स्ट्रेंथ भी यहाँ बढ़ सकती है। आज अगर 200 होगी, कल 500 होगी, 1000 हो सकती है, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो सत्यानाश कर दिया पूरे स्कूल का। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि पंचायतों को सशक्त किया गया है, सरपंचों पंचों को पावरें दी गई हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट के लोग जो सरपंचों पंचों को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लेते हैं, मैं तो कहूंगा सबसे पहले इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इन लोगों को सस्पेंड किया जाए कि अगर आपके यहाँ पे कोई प्लान आया है, अगर कोई चीज आई है, क्या आपने अपने यहाँ के नुमाइंदों को, PRIs को अपने कॉन्फिडेंस में लिया है? अगर नहीं लिया है तो इनके ऊपर इमीडिएटली कोई एक्शन ले, ताकि ये जो भ्रष्टाचार, मुझे तो लग रहा है ये सारे मिलके खा रहे हैं, ये अकेला कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, ये अकेला यूथ एंड स्पोर्ट्स नहीं होगा, ये सारे रल मिलकर, मलाई बैठी है, सारी बिल्लियां रल मिलकर खा रही हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
कल एसडीएम मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि इसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, पेमेंट हमें पता है नहीं होगी, लेकिन इतना बड़ा कार्य आपके आंखों के सामने, इस ऑफिस के सामने, गर्ल्स हाई स्कूल के और प्रिंसिपल के सामने अगर हो गया, इन्होंने ये भी नहीं देखा कि कोई टेक्निकल बिन को चेक करने के लिए आया है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है इस ग्राउंड को लेकर होनी चाहिए, ताकि इन बच्चों के साथ जो भेदभाव है वो ना हो सके। बिल्कुल, इन बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ, इस बोर्ड के बनने के ऊपर जो सवारियां निशान लग गया है। देखिए, बताया जाता है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टफ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नहीं दसिया पैच जो पहले 1.5 साल पहले जो ब्लैक टॉप किया गया था, लेकिन 1.5 साल काम बंद रहा, और अभी पिछले हफ्ते ही बताया जा रहा है कि दोबारा से इसके ऊपर हल्की सी परत जो है वो तारकोल की डाली गई है, उसके बाद इस केमिकल का इस्तेमाल किया गया। हालांकि केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, जो हमें इन बच्चों से ही जानकारी मिल पा रही है, और जो यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हुआ है, लेकिन केमिकल का ऊपर यहाँ से निकलना शुरू हो चुकी है। इसके नीचे का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो आपको ये, मैं अभी उस ग्राउंड में खड़ा हूँ जहाँ पर नवजोत सिंह जसरोटिया ने गगवाल में टूर्नामेंट्स करवाई है कबड्डी की, और आज उस कबड्डी की ग्राउंड की हालत देखिए। नवजोत को चाहूंगा थोड़ा क्लोज लप ले जाए। यहाँ पे बच्चे आपके इंटरनेशनल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल जाएंगे, स्टेट लेवल जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूंगा, अगर उन बच्चों ने अपना एफर्ट लगाया है, आप लोग कहाँ हो? आप लोगों से एक ग्राउंड नहीं देखा जा रहा? हैंडबॉल पे आपने लाखों खर्च कर दिए, यहाँ पे ये ग्राउंड कौन देखेगा? पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, फिर हैंडबॉल पे पहुंचिए। उस ग्राउंड, उस हैंडबॉल का जहाँ जिसमें कोचिंग फैकल्टी कोई नहीं है, उसको आपने हैंडबॉल दे दिया। बच्चे जड़िए देखिए, ये देखिए क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, आप लोग कर क्या रहे हो? आई वॉन्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू इंटरवीन। यहाँ पे बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, एक कबड्डी के खिलाड़ी को मैं बुलाना चाहूंगा, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हम जो है लास्ट 2 साल से लगातार रोज आते हैं प्रैक्टिस करने, और पहले हम उस साइड खेलते थे, वहाँ पर जो है हर साल हर बार रोज का यही था, जो गाड़ी वाले आते थे सारे बीच में से निकालते थे, और जबकि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है, हर साल जो ऑफिसर्स आते हैं हमारे साथ वादे करते हैं आपको कोर्ट, आपको स्टेडियम बना के देंगे, मैट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगे अच्छे से, लेकिन हमारे साथ बस बातें होती हैं। अभी हमने कोई 2-3 महीने पहले यहाँ पर एक नया ग्राउंड बनाया है, ताकि हम जो है सेपरेटली खेल सकें, अच्छे से खेल सकें, और हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन अभी भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि आसपास इतने जो है छोटे छोटे पौधे वगैरह हैं, जड़ियाँ वगैरह हैं, इसमें से सांप वगैरह कोई आ सकता है, और ऊपर से हम शाम के टाइम खेलते हैं और इस टाइम ज़्यादा खतरा होता है। तो मैं बस एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहूँगा कि इतना सा एरिया, इसके लिए छोटा सा एक स्टेडियम हमें मिलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अपने प्लेयर्स का ध्यान रखो, अपने ज़्यादा बाहर मत छांको, हमेशा पॉलिटिक्स सब कुछ नहीं होता, कुछ स्पोर्ट्स में भी होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ही आगे जाके प्लेयर्स आएंगे। यहाँ देख लिए, जड़ियाँ साफ करके सेपरेटर ने अपना ग्राउंड बनाया, खुद ट्रैक्टर घूम यहाँ पे ट्रैक्टर वालों को पैसे देकर खुद की पॉकेट मनी से। आप यहाँ की हालत देख सकते हैं, कितनी कितनी यहाँ पे जड़ियाँ हैं, ये देखिए मेरे पैर पे कितनी कितनी जड़ी है, साइड पे सेपरेट। कल को, अभी बरसात का मौसम है, कल को कोई सांप वगैरह कोई अंग्रेजों काट के उसका जिम्मेदार कौन है? ये पहले कबड्डी का ग्राउंड होता था, जहाँ पे बड़ी बड़ी टूर्नामेंट हुई थी, पंजाब की टीम्स भी आई थी यहाँ पे, तरन तारण वगैरह जिलों की। और देख लीजिए पानी की खस्ताहालत से क्या हालत हो गई है, तभी बच्चों ने वो साइड पे अपना ग्राउंड बनाया सेपरेटली। मैंने इस ग्राउंड के रिलेटेड SSP सर से भी बात करी थी, उन्होंने मेरे को अश्योर करा था, उन्होंने मेरे सामने आई एम द विटनेस, उन्होंने मेरे सामने DDC सर से बोला था कि कुछ फंड्स अरेंज करके कम से कम इस जड़ी को साफ करवाया जाए। मैं SSP सर से पूछना चाहूँगा, सर ना जड़ी साफ हुई है ना ग्राउंड क्लियर हुआ है, अब हम कहाँ जाएं, हम यूथ कहाँ जाएं, कृपा करके हमें कोई रास्ता दिखाइए। ये भी बोला गया था कि कुछ फंड्स हम देंगे, अर्जेंट बेस पे देंगे, अभी तक हमें वो फंड्स नहीं मिला है। और SSP सर बताएं, यहाँ पे आएं, ग्राउंड की कंडीशन देखें। थैंक यू वेरी मच।